सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध जारी। 5 नवंबर को एक दिन के लिए खुलने जा रहे मंदिर को लेकर प्रशासन ने आज रात से कई इलाकों में 6 नवंबर तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जेडीएस की अग्नि परीक्षा आज। कर्नाटक की 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने के बाद भी प्रदूषण की स्थिति अब भी बेहद खराब। अगले 2 दिन और ज्यादा मुश्किल। सामना में शिवसेना ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा केंद्र की हिंदुत्ववादी सरकार काम की नहीं है। असम के तिनसुकिया जिले में 5 लोगों की हत्या के विरोध में बंगाली संगठनों ने आज 24 घंटे का बंद बुलाया। बंद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। INLD में घमासान, पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने अनुशासनहीनता के आरोप में दोनों पोतों को पार्टी से निकाला। सांसद दुष्यंत चौटाला अब संसदीय दल के नेता भी नहीं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पटना के सिविल कोर्ट में पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए अर्जी दी। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में लखनऊ में ट्रेनी टीचर्स का प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज में कई टीचर घायल। और अमेरिका के फ्लोरिडा में योगा स्टूडियो पर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। गोलीबारी के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मारी।